बेगूसराय बिहार राज्य के कुल 38 जिलों में से एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। बेगूसराय जिला गंगा नदी के उत्तरी किनारे भाग की ओर बसा हुआ है। यह जिला पहले मुंगेर जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सन 1972 में बेगूसराय को मुंगेर से अलग कर एक जिला बना दिया गया। यह वही बेगूसराय जिला है जहाँ पर हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। आज के समय में बेगूसराय एक प्रमुख औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हो रहा है। बेगूसराय में मुख्य रूप से तीन बड़े उद्योग हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी, हिंदुस्तान यूरिया लाइफ इंश्योरेंस और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन। इसके अलावा यहां पर सुधा डेयरी, गंगा डेयरी, कोल्ड ड्रिंक और भी कई सारे छोटे बड़े व्यापार यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग 1918 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले बेगूसराय जिला की कुल आबादी 39,70,000 है। यह जिला बलान नदी, चंद्रभागा नदी, बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पर बसा हुआ है और इन तमाम नदियों के किनारे पर बसा बेगूसराय जिला बिहार की राजधानी पटना से 127 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, बेगूसराय जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलों के साथ घिरा हुआ है, जिसमें समस्तीपुर जिला, मुंगेर जिला, पटना जिला, लखीसराय जिला और खगड़िया जिला। आवागमन के दृष्टिकोण से बेगूसराय जिला सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, रेल मार्ग। बेगूसराय जिला का मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम बरौनी जंक्शन है, जिसका स्टेशन कोड BJU है और बरौनी जंक्शन में 9 प्लेटफॉर्म तथा 15 ट्रैक मौजूद है। बरौनी जंक्शन भारत के सबसे ज्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशनों की सूची में शामिल है। यह रेलवे स्टेशन मोकामा बरौनी सेक्शन, बरौनी कटिहार सरहसा पूर्णिया सेक्शन, बरौनी गुवाहाटी लाइन, बरौनी गोरखपुर लाइन पर स्थित है और ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के सोनपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। बरौनी जंक्शन के माध्यम से कामाख्या एक्सप्रेस, आम्रपाली एक्सप्रेस, वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, मौर्य एक्सप्रेस, कोलकाता एक्सप्रेस जैसी कई तमाम ट्रेनें यहां से गुजरती हैं, जो आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती हैं। नंबर दो, सड़क मार्ग। बेगूसराय जिला सड़क के माध्यम से बिहार के लगभग सभी बड़े बड़े शहरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इस शहर के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 28 और नेशनल हाईवे संख्या 80 गुजरती है, जो कि बेगूसराय को लखीसराय और बेगूसराय को समस्तीपुर से जोड़ती है। नंबर तीन, वायु मार्ग। वैसे तो बेगूसराय जिला में वायु मार्ग की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, परंतु यहां का सबसे निकट में स्थित एयरपोर्ट पटना का है, जो कि यहां से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, बेगूसराय जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। बेगूसराय में कई ऐसे घूमने के स्थान है जहाँ पर पर्यटक घूमकर आनंद उड़ा सकते हैं। नंबर एक, कांवर झील। कांवर झील बेगूसराय के मुख्य खूबसूरत स्थानों में से एक है। स्थानीय लोग इसे कांवर ताल या कनवार ताल भी कहते हैं। यह झील जिला मुख्यालय बेगूसराय से 22 किलोमीटर उत्तर तथा बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस झील के आसपास के नम भूमि को पश्चिम बिहार का दर्जा प्राप्त है। बिहार वन विभाग के अनुसार इसे पश्चिम बिहार का दर्जा सन 1989 में दिया गया था। यह कांवर झील 63 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और सर्दियों के मौसम में काफी ज्यादा प्रवासी पक्षी इस झील में आते हैं, परंतु धीरे धीरे यह झील पानी की कमी से जूझ रहा है। नंबर दो, बेगूसराय संग्रहालय। बेगूसराय संग्रहालय बेगूसराय के पुराने संग्रहालयों में से एक है। इस संग्रहालय की स्थापना 1981 में हुई थी। यह शहर का सबसे अच्छा केंद्र है, जहां पर आपको इतिहास से जुड़ी कई प्रकार की चीजें देखने को मिल जाएंगी। इस पुराने संग्रहालय में पाल वंश तथा मौर्य साम्राज्य के काल के दौरान चलने वाले सिक्के भी आप देख सकते हैं। नंबर तीन, नौलखा मंदिर। दोस्तों, आप बेगूसराय आ रहे हैं तो नौलखा मंदिर जाना ना भूलिएगा। शहर के मध्य में स्थित नौलखा मंदिर काफी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी के दौरान महंत डियर दाह द्वारा किया गया था। बेगूसराय का नौलखा मंदिर आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। दोस्तों, इसके अलावा बेगूसराय जिला में और भी कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं, जिनकी व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है।